हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत जैन। आज हम बात करने वाले हैं एक बैटरी बनाने वाली कंपनी के बारे में, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी कंपनी है। और टू व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर हो या घर के लिए भी अगर कोई इन्वर्टर लेता है तो एक्साइड बैटरीज का नाम पहले आता है। और ये जो कंपनी है खाली बैटरीज ही नहीं बनाती हैं, और इनका एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस भी है, जो अगर अलग हो जाता है तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर्स के लिए। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छा है, 258 के ऊपर चल रही है, लगभग 6% अप है। लेकिन कुछ समय पहले आप देख सकते हैं जनवरी के अंदर, दिसंबर जनवरी में ये लगभग 200 के करीब चलती थी। उस टाइम एक अच्छा मौका बनता था, लेकिन उस टाइम जो है उतने ऐसे नहीं थे इस स्टॉक में लगाने के लिए। लेकिन अगर आपको अगर मौका मिलता है इस स्टॉक में 210 220 के करीब भी अगर मौका मिलता है तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये जो कंपनी है काफ़ी बेहतर रिटर्न आपको दे सकती हैं। क्योंकि इन बैटरीज का डिमांड तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ये एक ब्रांड है सभी के ज़ुबान पर, इनका नाम है, तो उसी के कारण जो है एक मोनोपोली बनी रहती है इस कंपनी के लिए। तो इसका अगर आप देख सकते हैं 21,921 के करीब मार्केट कैप है, ₹1 की फेस वैल्यू है, ₹240 का डिविडेंड इसने दिया है, तो EPS 7.86 ही है। इसके फाइनेंशियल्स भी मैं आपको दिखा देता हूं, काफ़ी बेहतर फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं। मार्च क्वार्टर का अगर आप देखेंगे 2459 के करीब है, और जो पहले दिसंबर में था 2276, मीन्स रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। और इनका जो अगर नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे 189 के करीब है, पहले 154, तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुई है। और अगर आप EPS देखेंगे तो 2.23 की है, पहले 1.81। EPS भी मीन्स काफ़ी बेहतर कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए। लेकिन अगर आपको कुछ गिरावट में अगर नीचे के रेट पे मिलती है 220 के करीब, तो काफ़ी बेहतर स्टॉक है, लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, इसे ले लीजिए। कम रेट में अगर मिलता है तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इस स्टॉक में आप होल्डिंग बनाइए, क्योंकि आने वाले समय में ये जो स्टॉक है आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स भी दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आगे जाके डिमांड तो बढ़ने ही वाली है। ये जो कंपनी है ये भी सोलर सेक्टर में जा सकती है, सोलर बैटरीज अभी भी बना रही है, लेकिन आगे जाके और ज़्यादा मीन्स डिमांड आएगा तो ज़्यादा इनके बैटरीज बिकेंगे सोलर वाले। तो इसी कंपनी के बारे में आज मुझे बताना था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।